पापा खा रहे हैं, काफी सारा तो खा लिए हैं। अभी मैं भाई के पास लेके जाती हूँ, भाई से पूछ लेती हूँ कि खाते हैं या नहीं खाते। एक दो उठा लें, एक दो यार उठा लें, बाकी पापा को देने। मैं समझा सारे हैं मेरे। सारे सारे ले ले, मैं पापा को और काट दूंगी फिर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि हमारे देखने वाले जहाँ कहीं भी रहें हमेशा खुशाबाद रहें, आमीन। टाइम अभी सुबह का हो रहा है, यानी कि 10 बजे का हो रहा है, और नाश्ता हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। पापा और मैंने तो कर लिया है, बस अभी भाई जो है बैठ के कर रहे हैं, क्योंकि भाई ना यूँ समझिए जब मेरा नाश्ता बन जाता है उसके बाद उठते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, वॉशरूम जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, यानी कि उसके बाद आते हैं जब हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर बैठते हैं नाश्ता खुद करने के लिए, यानी कि बिल्कुल अकेले बैठ के करते हैं। और आज अगर मैं आपको मौसम का बताऊं, मौसम तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा बना हुआ है। हवा इतनी तेज चल रही है 2-3 दिन से, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही तेज चल रही है, और बादल भी बहुत सारे हैं आसमान में, ऐसा लग रहा है कि आज ही बरस जाएंगे। लेकिन आज ना बरसे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आज पापा और भाई ने भी जाना है कहीं काम से। वो तो आपको इंशाल्लाह भाई के व्लॉग में पता चल गया होगा या चल जाएगा कि किस काम से जाना है। खैर अभी आपको मैं मौसम दिखाती हूँ कि मौसम कितना प्यारा बना हुआ है। ये देखिए मौसम माशाल्लाह से कितना प्यारा बना हुआ है, हवा भी बहुत तेज चल रही है, और मशीन यहाँ पर लगी हुई है। कल रात से तो सिर्फ थोड़े से ही कपड़े धुले हैं, 5-6 सूट धुले हैं, और 2-3 सूट ये रखे हुए धुले हुए, और मशीन तो अभी फिलहाल लगी हुई हुई है। और भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं अपना काम कर रहे हैं, यानी कि नाश्ता कर रहे हैं रोजाना की तरह अकेले बैठ के, और पापा देख रहे हैं कि हमने नाश्ता कर लिया, ये लड़का जो है ना एंड में बैठा है नाश्ता करने के लिए। आज हम जल्दी करके नाश्ता हो गए ना। हाँ तो थोड़ा सा हाँ, पापा ने जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा नाश्ता किया है, यूँ समझिए ना होने के बराबर। पापा का पेट सही नहीं है ना, इस वजह से पापा बोलते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा सा ही खाऊंगा जब तक पेट सही नहीं होता मेरा। रत्ना तो मेरे साथ चलेगा भाई, जाना है बाहर, जाना है किसी काम से। ये सोच रहा था कि बाजार चलते हैं और ये बेडशीट की चादरें वगैरह लेकर आ जाएंगे। अगर बाइक सही है, बाइक सही है तो चलते हैं फिर। बाइक सही है, चलेंगे बाइक पे। सही है, जल्दी चले जाना, क्योंकि अभी देखिए मौसम कितना खराब हो रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे, मशीन से कपड़े निकाले, ये थोड़ा खंगाल के धो के फिर चले। वैसे बेडशीट के कपड़े का किस तरह के कलर के होने चाहिए? अच्छे होने चाहिए, डार्क कलर, लाइट ना हो। ये लाइट कलर है ना गंदे जल्दी हो जाते हैं। अच्छा हाँ, ब्लू कलर तो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा। हाँ जैसे जो सही लगे आपको वहाँ। चलो ठीक है, वहाँ जाएंगे, पता चलेगा कौन कौन से कलर के हैं। हाँ सही। तो पापा और भाई तो बेडशीट लेने के लिए चले गए, भाई भी साथ गए, पापा भी, क्योंकि भाई तो बाइक चलाएंगे और पापा बेडशीट चूज करेंगे, वहां से चॉइस करेंगे कि किस कलर की लेनी है। तो इस कमरे की तो सारी सेटिंग और सफाई तो मैंने कर ली है, और यहाँ आधे सहन की झाड़ू लगा ली है यहाँ तक, बाकी वहां से लगानी है। और बर्तन भी मैंने एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं, अभी इनको भी धोना है, पहले झाड़ू लगा लूँ उसके बाद बर्तन धोंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से हमारे देखने वाले जहाँ कहीं रहें सदा खुश व आबाद रहें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो काफ़ी बेहतर है, लेकिन थोड़ी सी तबीयत ना अभी भी कसर है, क्योंकि एक चीज़ अगर सही होती है तो दूसरी चीज़ में मसला हो जाता है। मेरी तबीयत तो जैसे कि पहले था, बुखार था, हड्डियों में बुखार था, और अब वो मसला हल हुआ है तो मैदे की प्रॉब्लम हो गई है। मैदे की वजह से जो है कुछ खाया पिया जा नहीं रहा है ज़्यादा, क्योंकि वर्म आ रहा है या क्या मसला है मैदे में, जिसकी वजह से ज़्यादा खाया नहीं पिया जा रहा, और अगर नहीं खाता हूँ तो फिर कमजोरी महसूस होती है। आज सुबह से जो है बस यही मसला चल रहा है, कभी लेट आराम करता हूँ, कभी काम करता हूँ, क्योंकि मशीन भी लगाई हुई है, और मशीन ने तो इतना ज्यादा तंग किया हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एक सूट ही धुलता है, कम से कम 2-3 चक्कर लगाते हैं जब जाके एक सूट मशीन में धुलता है। अभी भी एक सूट पड़ा हुआ है, बस उसको निकालना है और निकाल के सुखाना है, क्योंकि एक एक सूट करके निकाला जा रहा है। और यह आज पता नहीं नेहा कहाँ जा रही है, ऐसे ही पूछता हूँ कि ये तैयार हो रही है तो ये कहाँ पे जा रही है? ये
ये आ गई नेहा और यहाँ तैयारी कर रही है। तैयार तो हो चुकी है। कहाँ जा रहे हो भाई? बस घूमने के लिए जा रहे हैं वैसे तो, लेकिन मैंने बोला था आपको कि चूड़ियाँ वगैरह लूंगी, 14 अगस्त की बेज लूंगी, तो वही लेने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, ये बेज लेना तो बहाना है। हाँ, ये मुझे कह रही थी कि मैं भाई 100 रुपए देती हूँ पेट्रोल के ना। अच्छा, कल आप इतनी दूर गए थे, इतना अच्छा मौसम था, घूम फिर कर आए थे, मुझे ना थोड़ा सा रोड पे। अच्छा, यानी कि रोड पे जो है ना सैर करा के लिया हूँ मुझे। हाँ, यानी कि सैर लिए जा रही। चल, अब मौसम तो खैर अच्छा है और ऐसे में अच्छा भी लगता है बाहर, चलो सैर कराना और आते हुए अपनी चूड़ी भी ले आना, और मेरे लिए जो है ना वो बेस लाजमी लेकर आना। हाँ, वो बेस भी ले लेंगे। चले तुम लोग जाओ और ठीक है। ठीक। और यहाँ देखें, ये मैंने मशीन में कपड़े डाले हुए थे। अब ये एक सूट रहे अदनान का, ये निकालना है। और कमरे में आज मैं लेकर आया था यहाँ, तो ये हमने दिखाया नहीं था। इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम ये आपको मुकम्मल दिखाएंगे, इसकी कटिंग भी दिखाएंगे और सिलाई भी दिखाएंगे। ये बेडशीट और सोफों का कपड़ा, चरपाई का कपड़ा, पर्दों का कपड़ा, ये तमाम कपड़े, काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो इनकी तब मुकम्मल वीडियो कल इंशाल्लाह हम बनाएंगे, काटेंगे भी और सिलाई भी करेंगे। तो अभी शाम होती जा रही है। यहाँ आप देखें, अभी नेहा आ चुकी है और इतनी खुश हो रही है, ये देखें। क्यों खुशी हो रही है भाई? मुझे यूँ खुशी हो रही है कि 100 रुपए का मैंने अपनी जेब से पेट्रोल डलवाया है। अच्छा। और भाई को घुमाने लेके गई हूँ, मैं भाई के साथ ही समझे घूमने के लिए गई हूँ। कभी भाई को इधर घुमा रही हूँ, कभी इधर घुमा रही हूँ कि इधर भी मुझे लेके चले, इधर भी मैं। अच्छा। गई हूँ 4 नंबर तक, उससे भी आगे बोल रही थी, लेकिन भाई ने बोला नहीं, बस यहीं से वापस। हाँ, तो 100 रुपए में तो सिर्फ यह माच मोड़ के तरह के पैसे पूरे हो जाते हैं। नहीं, फिर भी उससे आगे गई मैं। और क्या लेकर आई? लेके तो मैं बस इतना सा आई हूँ, लेकिन ये भी बहुत महंगा पड़ गया। चलो, ये फिर दिखाना, अपने खुद ही दिखाना मेरे बस। और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई खाने पीने के लिए? नहीं, खाने पीने के लिए नहीं लाई, बस एक चीज लाई। क्या चीज लाई? बेज दिखाऊंगी। चलो, मैं भी मंगाता हूँ भाई से थोड़ी सही। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं 14 अगस्त के लिए क्या क्या लेके आई हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा कुछ नहीं लाई, लेकिन मैं थोड़ा सा ही लाई हूँ। ये देखिए, ये सबसे पहले है मेरा पसंदीदा मास्क, जो कि मैंने सोचा था 14 अगस्त के ड्रेस के साथ मैं पहनूंगी, क्योंकि 14 अगस्त के ड्रेस के साथ मेरे पास जो है उनमें से तो नहीं मैं पहनने वाली, मैच करके लाई हूँ। ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन है ये। और उसके बाद ये है चूड़ी, जो कि वाइट और ग्रीन है। ये देखें, दिखाती हूँ मैं आपको, सिंपल लिए मैंने वाइट और ग्रीन, इनका जो है सेट बना के पहन लूंगी। और ये मैंने लिए हैं इयर रिंग्स, बुंदे, यानी के ये भी प्यारे हैं, छोटे से बालियां हैं। और ये रहा बेज, जो कि मैंने पापा के लिए लिया है छोटा सा। पापा ने बोला था जो सही मिले ना वो ले लेना, लेकिन ना छोटे छोटे मिल रहे थे, तो ये हमें अच्छा लगा तो हमने यही ले लिया। मैंने अपने लिए जो है थोड़ा सा एक्सपेंसिव लिया है, यानी कि महंगा और अच्छा लड़कियों वाला। ये देखें, ये रहा मेरे लिए, ये भी छोटा सा ही है, लेकिन बस ये है कि ये लड़कियों वाला है ना गो वाला है, इसलिए मुझे पसंद आया। बाकी ये है कि मेरी 14 अगस्त की शॉपिंग भी कंप्लीट हो गई, ड्रेस भी हो गया, बेज भी हो गया, इयर रिंग्स भी हो गया, मास्क भी हो गया, बाकी तो और कुछ नहीं आएगा। बस थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी मैंने अपनी। ये भी भेजा अदनान को, मैंने बोला बाहर से जाके फ्रूट ले आए, क्योंकि बहुत भूख की वजह से ना कमज़ोरी हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं बैठे बैठे मेरे को, क्योंकि खाने का टाइम में तो बहुत ज़्यादा टाइम है, 8-9 बजे तक का खाने का टाइम होएगा। तो नेहा फटाफट इनको धो रही है और धो के जल्दी जल्दी फिर मुझे खिलाएगी, क्योंकि अभी अभी बच्चे बाहर से आए हैं। मैंने जल्दी से अदनान को भेजा फ़ौरन, मैंने बोला अभी लेकर, अभी फ़ौरन गए 5 मिनट के अंदर अंदर ले आए, क्योंकि कमज़ोरी ऐसी हो रही है ना कि बस क्या कहें, बस बैठे बैठे ना चक्कर आ रहे हैं। मैं बोला थोड़ा खाऊंगा, पेट भरेगा थोड़ा। तो जी, मैंने काट दिए सेब और साथ में चीकू थे वो भी काट दिए, अब पापा खा रहे हैं, काफी सारे तो खा लिए। अभी मैं भाई के पास लेके जाती हूँ, भाई से पूछ लेती हूँ कि खाते हैं या नहीं खाते, नहीं तो पापा के पास ही ले आऊंगी वापस। भाई ये ले, एक दो उठा लें, एक दो उठा लें, बाकी पापा को देने। मैं समझा सारे मेरे, सारे सारे ले ले, मैं पापा को और काट दूंगी फिर। ये बस बहुत है, 2-3 ले लिए। चलें ठीक है, बाकी बाद में खा लेना। सही। तो सेब पापा ने, मैंने और भाई ने, तीनों ने खा लिए हैं। और
थोड़ा सा जो है ना पापा के पेट में आसरा हो गया, क्योंकि 8 बजे खाना खाना है हमने तो, लेकिन पापा को अभी से भूख लग रही थी, तो इस वजह से पापा ने बोला कि ना बाहर से सेब ले आए आप, और फिर वो खा लूंगा मैं, तो पेट थोड़ा सा सही हो जाएगा, यानी कि पेट में आसरा हो जाएगा 8 बजे तक। और ना मुझे बाहर घूमने में बहुत मजा आया, यानी कि भाई के साथ बाइक पे घूमने में बहुत मजा आया। मेन रोड पे इतनी अच्छी हवा लग रही थी ना, इतनी अच्छी हवा, दिल कर रहा था इंसान यूं करके हाथ फैलाए और यूं करके जाए, लेकिन ना मैं तमीज से बैठी रही। लेकिन फिर भी मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि मेरा ही शौक था कि भाई मुझे आप घुमाने लेके जाए मेन रोड तक, लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, लेकिन ज्यादा तो नहीं दूर गए हम। भाई को लगी हुई थी वापिस आना है, ज्यादा दूर हो गया। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ, पूरे 1 घंटे में हम वापिस आए। आधा घंटा सफर लगा हमें वापिस आने का, फिर मार्केट गए तो आधा घंटा उधर लगा, बस 1 घंटे में वापिस आ गए। तो आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। कल मिलेंगे इंशाल्लाह आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।